खोपिया यानी जो कृष्ण भक्त है उनका रूपांतर लेकर के भागवत को अमृत कहा गया और तुलसीदास जी ने कथा की गंगा को गंगा की उपाधि दी कि जिस तरह से हम गंगा में जाते हैं जिसे नहाना हो वो नहा लेता है, जिसे प्यास बुझा नहीं हो वो प्यास बुझा लेता है, ठीक उसी रूपी भागवत रूपी गंगा में जिसको अपने मन का मैल धोना हो वो मन का मैल धो सकता है, जिसे अपनी आध्यात्म की प्यास बुझा नहीं हो वो अपनी आध्यात्म की प्यास बुझा सकता है। और विशेष करकर के मैं समय भी ज्यादा दिया है, मैं उसको क्षमा करता हूँ, लेकिन विशेष करके समय की कोई अवधि नहीं आपसे। जैसे महाराज जी गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था जब चारों ओर पराजय बढ़े इसी हार ही हार जितने की ना के बराबर थी, चारों ओर जब पराजय बढ़ रही थी तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन इतनी भी विषम परिस्थिति हो जितनी भी पराजय सामने हो फिर भी मुस्कुराते रहो। और यही काम आजकल हमारे देश में विपक्ष कर रहा है। तब मैं युवान साथियों को कहना चाहता हूँ, युवान साथी मेरा विशेष क्षेत्र है क्योंकि मैं वो समस्या से जूझ रहा हूं कि मैं युवान साथियों को यही कहूंगा कि ये कथा युवाओं की विशेष है, लेकिन युवाओं की बात भी हम छोड़ दें, मनुष्य की बात भी हम छोड़ दें और हम पशुओं तक जाएं, अगर पशुओं तक जाएं पशुओं में भी हम देखें कि जंगल के अंदर जब भीषण आग लगती है गर्मी के प्रकोप से जो प्राकृतिक जंगल की आग लगती है उसमें जंगल के सारे पशु पक्षी जंगल छोड़ने का प्रयास करते हैं, पक्षी अपनी दुगनी रफ्तार से जंगल छोड़ने का प्रयास करता है, शेर अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके जंगल छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन हाथियों का जो झुंड होता है वो बड़ी समझदारी दिखाता है, वो जंगल नहीं छोड़ता है, वो जंगल में ही इसकी तालाब के भीतर जाकर के बैठ जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि जंगल में भले ही भीषण जितनी की आग लगे लेकिन इस तालाब के मध्य में मैं अगर बैठ गया तो मुझे सुरक्षा तो इस अग्नि से मिलेगी लेकिन मुझे यहाँ शीतल जारी होगी। उसी प्रकार हम युवान साथियों के जीवन में हम युवान साथियों के जीवन के संसार में जब प्रेम प्रसंगों में विफल होने की आग लगी हो, जब परीक्षा परिणाम में विफल होने की आग लगी हो, जब डिप्रेशन की आग लगी हो तो ये संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस भागवत के तालाब में आकर के अगर हम बैठ जाए तो हमें सुरक्षा तो हमें सुरक्षा का सुरक्षा तो उन सब चीजों से मिलेगी हमारी हृदय को शीतलता मिलेगी। और मेरा निजी अनुभव है कि युवान साथियों जो आपके मन मस्तिष्क में नकारात्मक सकारात्मक विचारों के घोड़े दौड़ रहे हैं वो शांत होकर के बैठ जाएंगे और आपकी सांसों को एक ठंडक मिलेगी। मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ और अंत में मैं यही कहता हूँ कि युवान साथियों को कि कई युवान साथियों को कथा में एक दिन आए एक मिनट सुना और अभी फोटोग्राफी सेशन कथा पर तो हमारे कई युवान साथियों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पर चाहते हुए डाला एंजॉय कथा फीलिंग फ्रेश इन कथा। अब मैं उनको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं कि ये कथा क्या है। अगर कोई मुझे पूछे बस आप जहां तक रस है जैसे शास्त्री की रस की बात कर रहे थे, आपके पास रोटी हो शुद्ध घी में लगी हुई उसको आप आम के साथ नहीं खा सकते, लेकिन उस आम का अगर नए भाई ने ऐसा सुंदर रस खिलाया तो उस रस के साथ अगर हम रोटी को खाएं तो स्वादिष्ट भी होगी और पौष्टिक भी होगी। ठीक उसी प्रकार हम साधारण जनमानस वेद और उपनिषद को पढ़ने का सामर्थ्य न रखें लेकिन इस भागवत रूपी रस को तो पकड़ ही सकते हैं। और ये भागवत एक ऐसा आम रस है जिसमें न छिलका है न गुठली है मतलब कुछ भी फेंकने लायक नहीं है। और मैं युवा साथियों को कहता हूँ क्योंकि गुरु जी हमारे अधिकतर युवान साथी कहते हैं कि ये धर्म तो ऑर्थोडॉक्स है रूढ़िवादी है अंधविश्वास है हाइपोक्रेसी है हिंदुइज्म है और कुतर्क करते हैं हर चीज में लॉजिक पूछते हैं। हमारी ये जिज्ञासा जरूर हो कि हम भवन में बैठे हो तो हम विचार करें कि इस भवन के अंदर जो स्टेजेस है मतलब मेघा है वो तीन ही क्यों है, चार क्यों नहीं, दो क्यों नहीं है, तीन ही क्यों है, उसका रंग काला सफेद और लाल है कोई अन्य क्यों नहीं है, शिवजी के मंदिर में कछुआ और नंदी जी है वो क्यों है, वो किसका प्रतीक है, ऐसी हमारी जिज्ञासा हो वो उचित है। ऐसे पूछ लिए साधु उसका उत्तर हमें दे देंगे, लेकिन गुरु जी एक हमारे प्रोफेसर थे साइंस वो धर्म में नहीं मानते तो उनको हम कथा सुनेंगे थे वैसे ही वो कथा में बैठे थे और कथा का शास्त्री जी थे उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और आपने अगर अपने माँ बाप की परिक्रमा कर दी तो आपने सारे संसार की परिक्रमा कर दी और श्रवण कुमार को आपने सुंदर उदाहरण दिया। हमारे विज्ञान के प्रोफेसर थे वो खड़े हुए थे उन्होंने यह कहा कि शास्त्री जी आप ये बताइए कि श्रवण कुमार के पिताजी और माता जी का क्या नाम है। शास्त्री जी
जवाब नहीं दे पाए, पूरी कथा में मन छा गया। उन्होंने वापस अपने ज्ञान के रंग में पूछा, शास्त्री जी श्रवण कुमार के माँ बाप का क्या नाम है? उसके लिए उसकी बहन बोली, भाई तू तो बैठ जा, उसके माँ बाप वृद्धाश्रम है। ऐसे कृतज्ञता करें और इस भागवत में अगर जो हम आए तो बुद्धि के साथ मन भी जरूर लाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में चाहता हूं कि हम सब भारत माता की जय बोले, क्योंकि हम भारत और जो अन्य देश है उसमें अगर मैं कोई एक महत्वपूर्ण अंतर मानता हूं तो वो यही है कि जो पश्चिम और यूरोप के देश है वो मैं की बात है, ऑलवेज दे ऑलवेज टॉक अबाउट आई, और जो हमारा हिंदुस्तान है हमारी जो सनातन संस्कृति है वो हम की बात करती है। लेकिन वो मैं की बात करते हैं, हम की बात करते हैं। बैठे हुए समस्त ब्राह्मण अनुरागी भक्तों के हृदय में विराजमान विद्या सावित्री माँ सरस्वती को भी सादर प्रणाम करता हूँ, और इस कार्यक्रम की सफलता हेतु नींद की नींद में काम कर रहे कार्यकर्ता बंधु, श्रमिक बंधु और सफाई कर्मचारी बंधुओं को भी सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि ये कथा सरोज बहन की इच्छा और मयंक भाई के प्रयास का परिणाम है तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं मानता हूँ ये मात्र इच्छा और प्रयास का परिणाम नहीं है, ये सरोज बहन की भीष्म प्रतिज्ञा और मयंक भाई के प्रतिरत प्रयास का पालन करता है। मैं यहाँ पर जब आया जब बैठा था तो मेरे मन मस्तिष्क में चार ऊर्जा बनी कि जब लेने आए होंगे हम तो अनिल भाई के सासू ने भी थोड़ा होगा दम, समस्त परिवार ने भी छाया होगा दम, परिचित समस्त सज्जनों की आंखें भी हुई होंगी नम। लेकिन ये कथा का आयोजन बताता है कि सुपुत्र का प्रेम कभी नहीं मिलता है, हम तो शास्त्री जी से कथा सुनते हुए परम तृप्ति का एहसास कर रहे हैं और शांत चित्त होकर के शीतल छाया में बैठे हैं। लेकिन अगर मैं का भाव हम त्याग दें और हम का भाव से देखें तो इस पांडाल से अगर हम बाहर जाए भीषण गर्मी गिर रही, और ये तो शास्त्री जैसे राजस्थान और राजस्थान यानी रेगिस्तान का स्थान, रणों का स्थान, आप मात्र दो मिनट के लिए अपने मस्तिष्क में मन में कल्पना कीजिए कि आप इस भीषण तपती हुई गर्मी के तपन में इस राजस्थान के किसी रण में रेगिस्तान में खड़े हो और आपका कण उस तपन से सूख रहा हो और किसी एक कोने में एक शीतल छाया के भीतर एक सुंदर पानी का प्याऊ रखा हो और आप उस पानी के प्याऊ के पास जाओ और वहां देखा सेवक आपको उस शीतल छाया के भीतर शीतल मधु निर्मल जल पिलाए तो सोचो आपके कर्म को कैसे तरीके मिलेगी, आपकी प्यास कैसे मिलेगी। वैसे ही जब हम मनुष्यों के जीवन में हम मनुष्य के जीवन के संसार में जब नकारात्मकता का भीषण ताप गिर रहा हो, डिप्रेशन का भीषण ताप गिर रहा हो, एंजाइटी का भीषण ताप गिर रहा हो, व्यापार में मंदी का भीषण ताप गिर रहा हो, तब ये भगवत रूपी व्याऊ ने कहा कि ये विश्व पूरा एक कोई भौगोलिक खंड नहीं है, ये विश्व एक मंदिर है। तब मैं कहता हूँ अगर ये विश्व एक मंदिर है तो ये भारत उसका गर्भगृह है, और पूरे संसार को अगर इस गर्भगृह की आराधना करनी हो तो इस संस्कृति का उचित सम्मान करें। और मैं जाते जाते बड़े आदर बड़े भाव और बड़े प्रीति से चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ भारत माता की जय बोले, क्योंकि प्यार प्रेम मन से करें तो भावना, प्यार तन से करें तो वासना, प्यार आत्मा से करें तो साधना है, और प्यार इस देश इस राष्ट्र से करें तो आराधना है, और वही आराधना करने का अवसर हमें भागवत की गंगा के सान्निध्य में मिला। तब मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ भारत माता की जय बोले और पूरे जोश और पूरे होश में बोले और दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय बोले, क्योंकि अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई हैदराबाद से आवाज नहीं आती कि मैं भारत माता की जय बोलूंगा, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई हमारा स्थानीय विधायक नहीं कहता कि राम काल्पन ही बोले थे, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री हजारों करोड़ों के शराब घोटाले करने की हिम्मत नहीं करता, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई मकबूल कुलभूषण भारत माता का व्यंग्य चित्र बनाने की हिम्मत नहीं करता, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई अमेरिका में बैठा अंकल सैम पित्रोदा भारत में काले घोड़े की बात नहीं करता, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई मणिशंकर नहीं कहता कि चाय बेचने वाले का दलका इस देश का प्रधानमंत्री।
तब दोनों हाथ खड़े करके थे पूरे जोश और पूरे होश में मैं भारत की जय बोलना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने की प्यास हो या आध्यात्मिक की प्यास हो या भक्ति की प्यास हो, उसको परम शक्ति का एहसास होगा। और इसमें भागवत पुराण को भी हम देखें, जो अंग्रेजी महाराज के उसमें उल्लेख देखें, तो उसमें भी कहा गया है कि जो वक्ता हो वो निष्कपट होना चाहिए। और जो बैंक भाई का सौभाग्य है मानसर से भागवत यूपी गंगा जाने वाले वक्ता। और अंत में महाराज जी मैं वो बात कहने के लिए आया जो यहाँ पे लोगों को अच्छी लगे, मैं वो बात कहने के लिए आया हूँ जो लोगों के लिए अच्छी है। और विशेष करकर के मैं अपनी व्यक्तिगत पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस कथा में नहीं, इस क्षेत्र में होने वाली समस्त कथाओं में युवाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है। जितने युवा यहाँ हैं उसके अनुपात में युवाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है। और मैं युवा हूँ, मेरे युवा साथी है, और मेरे युवा साथी यही कहते हैं ये कथा तो बड़े बुजुर्गों के लिए है, ये कथा तो नाचने के लिए है, गाने के लिए है, ये कथा तो वृद्ध लोगों का मनोरंजन है। लेकिन मैं कहता हूँ ये कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कथा मनोमंथन का विषय। और मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि मेरा एक निजी मत है कि वृद्ध लोगों का तो आधे से ऊपर का जीवन व्यय हो चुका है, लेकिन हम युवा साथियों के पास एक लंबी बड़ी अवधि का जीवन शेष, और उस लंबी बॉडी के शेष जीवन में जो अगर सकारात्मक ऊर्जा के रंग भरने हो तो ये भागवत की औषधि से बढ़कर के कोई औषधि नहीं। भागवत को परिचित का रूप